धार से भी बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, छाती पर SC ST लिखने के मामले में कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ये कार्रवाई की है। तो आपको बता दें, 2 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। कलेक्टर ने मामले में कार्रवाई की है। मामले में अब तक 6 लोगों पर गाज गिर चुकी है। भर्ती के दौरान उम्मीदवारों की छाती पर SC ST लिखा गया था। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, मामले में 6 लोगों पर अब तक गाज गिर चुकी है। भर्ती के दौरान उम्मीदवारों की छाती पर SC और ST लिखा गया था। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि 2 कर्मचारियों को फिलहाल आज निलंबित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें। कलेक्टर ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को फिलहाल निलंबित किया है। 6 लोगों पर अभी तक अगर बात की जाए तो गाज गिर चुकी है, 2 लोग निलंबित भी किए गए हैं। भर्ती के दौरान उम्मीदवारों की छाती पर पहचान रखने के लिए SC और ST लिखा गया था। और इस पूरे मामले में जब तूल सामने आया तो इस पर कार्रवाई की गई। बहरहाल योगेंद्र इस पर ज्यादा जानकारी हमसे साझा करेंगे। फोन लाइन पर मेरे साथ डिटेल्स के साथ हैं योगेंद्र। अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है, जरा विस्तार से बताएं। जी, SC और ST जो छाती पे लिखने वाला मामला था, इस मामले ने जब ज्यादा तूल पकड़ा तो इसकी जांच चालू हुई। इस पे राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया। उसके बाद जब मामला और ज्यादा बढ़ा तो जब जांच चालू हुई तो इसमें 2 पुलिसकर्मी पहली शिफ्ट में इसमें निलंबित हुए, तो उसके बाद निलंबित हुए। और कल जब जांच कमेटी आई संभाग लेवल की और उन्होंने जब जांच की तो कल देर रात को 2 स्वास्थ्य कर्मियों को उन्होंने निलंबित किया है। ठीक है, और इस पर क्या आगे भी कार्रवाई की जानी है? हाँ, अभी आगे और कार्रवाई की जाना है, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन ने अपने 4 कर्मचारियों को निलंबित किया है तो हॉस्पिटल के भी और जो डॉक्टर्स वगैरह है उनको निलंबित करने की प्रक्रिया शायद हो सकती है। ठीक है योगेंद्र, नजर बनाकर रखेगा, अपडेट हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए, शुक्रिया। कुनबो में बिखरी कांग्रेस